हेलो। तो आज हम बनाने वाले हैं, जो मैंने थंबनेल भी दिखाया था वहाँ पे लिखा भी हुआ था, दी अल्टीमेट मतलब दी रिमिक्स लिस्ट। वो मैं ध्यान से बना रहा हूँ। अब देखिए, जब लिस्ट आ रही है, पहले मैं एस वाले बनाता हूँ, ठीक है? सॉरी, मतलब पहले मैं ई वाले बनाता हूँ, ई ग्रेड वाले। तो पहला है इसमें जैकल, उस मैडगास्कर वन में होता है, उसको हराना बड़ा ही सबसे सुपर इजी होता था, वो ई में है। और अब है फर्स्ट अवे का विलन बुक, उसका नाम पता नहीं। इसको भी हराना आसान बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ही इज अ माउस, ही इज अ माउस। अब आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो आगे है हमारा हम्प्टी डम्प्टी। तो ये रहा हमारा हम्प्टी डम्प्टी। इसको हराना भी बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये बस एक अंडा है। अगर इस अंडे को फोड़ दिया हमने, इसकी यहाँ से योग निकलेगा, या कहीं से भी फोड़ दिया। अब ए का तो होर है नहीं, अब एफ का शुरू हो रहा है। अब एफ में आ रही है गूज। गूज भी मतलब वो पूछ मुझे बड़ी सी गूज होती है, पर उसको हराना बड़ा आसान होता है। अब आगे देख, अब है बॉस फूल, उसको हराना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो लॉर्ड सन की किसी आर्मी का कोई बॉस फूल होता है, मतलब उसकी सैनिकों का एक बॉस होता है ये। अब आगे रोड फार क्वाल, वो भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, पर एंड में उसको ड्रैगन खा जाता है, ड्रैगन। और अब आने वाला है एक बड़ा सा विशाल ड्रैगन, इतना ही बड़ा नहीं, मैं बताता हूँ आपको, स्क्रीमिंग डेथ। इसको पर ना एसटीडी में बड़ी आसानी से डाल दिया था, इतना मुश्किल नहीं था। अब है बी, बी ग्रेड में बताता हूँ कौन कौन आएगा। लॉर्ड सेन, इसको लाना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि अपने चाकू ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी बेटा, क्योंकि अपने चाकू ऐसे ऐसे करके मारता है, और सामने वाला बंदे को बड़ी आसानी से मार। ओके ओके, रेडो करो, अंडो करो, एंडो करो, अंडो। चलो अब आगे देखिए, और कोई भी विलन है। रेड डेथ, ये मेरे मतलब थोड़ा थोड़ा गॉडजिला जैसा दिखता है, गॉडजिला जैसा दिखता है, इसलिए तो बहुत खतरनाक है, मतलब दिखने से भी नहीं है, भी बड़ा खतरनाक। हम STD YT में भी इसको रहना बड़ा ज़्यादा मुश्किल था, बट एंड में ना ये पानी के अंदर चला गया, जैसे कि गॉडज़िला अपनी मूवी में जाता है। प्लीज़ मुझे कॉपीराइट मत देना, क्योंकि मैं एक लिस्ट ही बना रहा हूँ, कोई मूवी नहीं दिखा रहा, ना उस मूवी का कुछ खराब करो, ना और कोई वास्ता कुछ। ओके थैंक यू। और इंग्लिश में समझा दी तो आपको ट्रांसलेट, प्लीज़ डोंट गिव मी कॉपी राइट, आई एम मेकिंग अ लिस्ट, डोंट नॉट एडिटिंग एनी मूवी वगैरह वगैरह, थैंक यू। अब आगे आपको दिखाता हूँ। अब आ रहा है वो हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक विलन, वो कौन था, कौन था, हाँ रंपल स्टेकन से, जो Shrek 3 में आया था। आपको क्या लगता है, इसको ई ग्रेड में आना चाहिए था? नहीं, क्योंकि ना इसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है, ये अपनी सारी की सारी पावर से स्ट्राइक को भी हरा सकता था, पर ये बेचारा एंड में हार गया। और अब है ये मैडगास्कर 2 का विलेन, इस लाइन का नाम मेरे को पता नहीं है, पर फिर भी बड़ा खतरनाक होता है, पर ये एंड में, पर एंड में इसको बहुत ज़्यादा थप्पड़ पड़ता है और ये हार जाता है।
अब मैं इसको फिट कर दे रहा हूँ, अब आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये ट्रोल्स का विलेन होता है, बस एक कुछ ही होता है, ये ट्रोल्स को हंट करने आया होता है। अब हम वो आगे बढ़ने वाले हैं ए ग्रेड में। ए में सबसे पहले आए वुल्फ। देखो हम ए में वुल्फ डाल, मैं ए में वुल्फ डाल तो नहीं सका, पर मैं लॉर्ड से का वो साइन लगाया, क्योंकि ए में वुल्फ डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वुल्फ मतलब बहुत ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। सो ओके, अब ये है हमारा गुरिल्ला सोल्जर, मतलब वो वाला गुरिल्ला सोल्जर जो कंपन 2 में आता है, वो था नहीं हमारे पास तो हमने खुद बना के लगा दिया। अब एस में बहुत ज़्यादा आएंगे, 4-5 से भी बहुत ज़्यादा। ये शायद नहीं, देखते जाओ आप। अब है हमारा ये गाय, मेरे को सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब से मैंने इसको देखा है मेरे को तब से बड़ा अच्छा लगने लगा है। अब मैं देखो लाइन दिखा देता हूँ। अब देखिए एक और मेरा फेवरेट आएगा, टाइलंग। इसने तो कुंग फू पांडा में चोर घोम के गार्ड्स को भी रहा हुआ है, उससे फ्यूरीफायर को रहा हुआ है, पर बेचारा कुंग फू पांडा किसी टूस से हार गया। चलो आगे देखो, काय, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, ये तो सबकी चीज ले सकता है, ले सकता ही नहीं, ले भी लेता है। कुंग फू पांडा 3 में मैंने इसको देखा था, बड़ा ताकतवर है ये। और एक फैक्ट और इसके बारे में, अगर कोई इसके साथ फाइट करता है ये और ताकतवर हो जाता है। अब ये भी है जियाखोंड, डेट के बाद फाइट के बाद ये पुसन बूट से रहता है। और उसके बाद लास्ट में सबसे ताकत टाइटन, तो गाइस सो द लिस्ट इज रेडी, आप देख लो।